भोपाल में भाजपा के एससी एसटी मोर्चे के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सभी मोर्चे काम करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी में एससी एसटी मोर्चे के चिंतन शिविर में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस दौरान गरीब कल्याण की योजनाओं की मॉनिटरिंग, अनुसूचित जाति और उनकी उपजातियों को संगठन के साथ जोड़ने और रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर बात हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने विश्व स्तर पर देश को बदनाम किया, भारत महान को भारत बदनाम कहा। कांग्रेस ने कोरोना में बेडों पर कब्जा किया और क्राइसिस पैदा किया जिससे देश में अभाव दिखाया जाए। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास देश में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने के सिवाय कोई काम नहीं बचा है। ये वही सब लोग हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे देश के अंदर राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व। तो आपने देखा ना कि कर्नाटक के अंदर तो क्या किया, कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि बेडों पर कब्जा कर लो, और बेडों पर कब्जा करके उन्होंने क्राइसिस कैसे पैदा हो। तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस केवल एक ही भूमिका निभा रही है कि कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अभाव दिखाया जाए। और मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भारत बदनाम हो गया, मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये केवल और केवल देश के अंदर स्थिरता पैदा करना, अराजकता पैदा करना, और देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करें, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिरमौर बनकर के दुनिया जिसकी स्वीकारोक्ति दे रही है, तो ये बातें उनको पचती नहीं हैं। जो मछली जब पानी से निकल जाती है तो वो जिस प्रकार से तड़पती है, वैसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी इस देश के अंदर तड़प रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।